सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19 मई 2021 बुधवार आपके राशिफल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा से आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 19 मई 2021 दिन आज बुधवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहेगा। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 12:50 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की अष्टमी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 3:48 तक चलेगा और इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो ध्रुव नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 2:16 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 1:09 तक चलेगा और इसके उपरांत व्याघात नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह के 5:48 पर और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 6:58 पर और चंद्र उदय होगा यह सुबह के 11:49 पर और चंद्रास्त होगा ठीक रात्रि के 1:18 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि, चंद्रमा कर्क राशि, इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक शाम के 3:48 तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं आज का अर्थात आज का शुभ समय। आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। चलिए बात करते हैं अब अशुभ समय की, यानी राहु काल की बात करें तो यह दोपहर 12:23 से लेकर ठीक दोपहर 2:02 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले पर तजुर्बा तो नया होगा। अक्सर दर्द वही देते हैं जिन्हें हम अपना होने का हक देते हैं। दर्द वही देते हैं जिन्हें हम अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशि फल के बारे में। जी हाँ, हम आपके डेली राशि फल की बात करने जा रहे हैं। वृषभ राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे, भगवान गणेश जी कहते हैं कि आज परिवार में किसी सदस्य के साथ कहा सुनी के चलते माहौल थोड़ा बोझिल हो सकता है, आपको बता दें, लेकिन यदि आप स्वयं को शांत व धैर्य से काम लेंगे तो सबका मूड बढ़िया कर सकता है, आपको बता दें।
यह समय साझेदारी में लाभ 9 के बराबर होने की संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, आपके अपने परायों से व्यवहार करते नजर आ सकती हैं। आपको बता दें, सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें। आपको बता दें, यह समय बड़े व्यापारिक लेन देन करते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अन्यथा आज आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। वृषभ राशि जातकों के लिए अगर लव लाइफ की बात करें तो आज आपका अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। आपको बता दें, यह झगड़ा पैसे की वजह से हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और गुस्से पर कंट्रोल रखें। आपको बता दें, आज के दिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आपको बता दें, यह समय ऐसे में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें, और अगर आप गणेश भगवान का सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।